केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर प्रवास पर हैं। उन्होंने शनिवार शाम लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन कर देश व प्रदेश में अमन चैन की दुआ की। तत्पश्चात रामदेवरा से रवाना होकर केंद्रीय मंत्री भारत पाक सीमा स्थित तनोट माता के मंदिर पहुंचे। तनोट में उन्होंने रात्रि विश्राम किया और सुबह तनोट माता की आरती शरीक हुए। उसके बाद वहां से रवाना होकर जैसलमेर पहुंचे। स्थानीय सर्किट हाउस पहुंचने वाला पर वहां पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ईआरसीपी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद ईआरसीपी पर नए नियम बनाकर इसे लागू करेंगे। राजेंद्र सिंह राठौर की सरकार बनाने वाले शब्दों पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने ढुलमुल रवैये से जवाब देते हुए बोले कि चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौर वसुंधरा राजे सतीश पुनिया का या अन्य कोई भी हो सकता है। सरकार बना दो तो ईआरसीपी ले आऊंगा, क्या कहेंगे इसके? मैं एक फिर कहूंगा और आधिकारिक रूप से कहूंगा, ईआरसीपी को रोकने के लिए राजस्थान की सरकार ने जिस तरह का षड्यंत्र किया, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए ईआरसीपी को जिस तरह से फुटबॉल बनाया, 13 जिलों के प्यासे कंठों के साथ में जिस तरह से राजनीति की, भारत सरकार के तय नियमों के विरुद्ध बेच करके प्रपोजल्स को उसको अटकाया, मैं फिर जिम्मेदारी से कहूंगा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम इनको नियम कानून के अनुरूप दुरुस्त करके इन 13 जिलों को पेयजल मिले, इन 13 जिलों को सिंचाई का पानी मिले, इन 13 जिलों को जो है कि टैंक्स एंड रिजर्वायर्स को हम भर सकें, इसके लिए इस योजना को भारत सरकार की जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नदी जोड़ने का जो प्रकल्प काम कर रहा है उसमें मैंने इसको सम्मिलित किया, इसमें शामिल करके इसको पूरा किया। सरकार ने पर राजेंद्र सिंह जी होंगे मुख्यमंत्री चेहरा, ये आप भी नहीं तय कर सकते और मैं भी नहीं। आपका वीडियो आया, राजेंद्र सिंह जी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष है, वो पार्टी का चेहरा है, रिप्रेजेंट करते हैं पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि व्यक्ति अपनी बात खुद करे। मैंने इसके इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो निश्चित है अवश्यंभाव ये बनेगी। चेहरा कौन होगा ये तय करना काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जिसको तय करेगा वो चुनाव जाकर के काम करेगा और हम सब मिलकर के उसका सहयोग करेंगे। कोई भी हो सकता है, वो राजेंद्र राठौड़ भी हो सकते हैं, वो वसुंधरा राजे भी हो सकती है, वो सतीश पुनिया भी हो सकते हैं, वो इसके अतिरिक्त भी शायद कोई और हो सकता है। लेकिन ईआरसीपी मामले को लेकर कैबिनेट